yesterday we start selection curves okay uh, there are three different types of natural selection natural selection are of three types number 1 stabilization second one directional and third one डिस थ्री टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सपोज दिस इज द ओरिजिनल नेचुरल सेलेक्शन कर ओरिजिनल नेचुरल सेलेक्शन कर वेयर देर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स एक्स एक्सिस पे ले लेंगे अलग अलग टाइप के फिनोटाइप ओके एवरेज वेट मोर वेट अंडर वेट या वेरी लेस हाइट ओवर हाइट इन एवरी कैरेक्टर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज हर कैरेक्टर में थ्री पॉसिबिलिटीज हैं जैसे हैं हम ले लेंगे वेट तो कुछ लोग रहेंगे अंडर वेट रहेंगे बहुत कम रहेंगे वेट कुछ लोग रहेंगे बहुत ज्यादा वेट वाले रहेंगे एंड मैक्सिमम इंडिविजुअल विल भी मीन कैरेक्टर एवरेज वेट रहेगा तो ग्राफ है ना कुछ ऐसे चेंज होते रहेगा सम टाइम ग्राफ बिकम लाइक दिस डू यू थिंक एनी चेंज इन फर्स्ट एंड सेकेंड ग्राफ क्या हुआ ये सेकेंड ग्राफ में अंडरवेट ओवरवेट एक्सट्रीम वेरिएंट्स गेट डिलीटेड दिस इज कॉल्ड स्टेबिलाइजेशन ओके And the second type of first type of graph extreme variants are deleted, but in second type of graph peak is shifted. In third type of graph, what happens? The maximum individuals in a population attain peripheral character. Peripheral character. If peripheral character is more, और एवरेज कैरेक्टर कम हो रहा है द इट इज कॉल्ड डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन एक्चुअली ग्राफ को समझना है यहां पर देखो ये कॉर्नर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अंडरवेट ये कॉर्नर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरवेट और मिडिल ऑफ द कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सपोज underweight and overweight if get deleted and the graph become very narrow then it is called stabilization natural selection and if peak is going to shift if peak is going to shift then it is called directional if maximum individuals in a population attain mean character value other than mean character value both the peripheral characters are attained. Peripheral matlab underweight. Overweight wale survive or average weight wale survive, ho hai, suppose. What is mean by stabilization? Maximum individuals attain? Maximum individuals attain character value. Attain mean character. अगर मैक्सिमम इंडिविजुअल्स को मीन कैरेक्टर वैल्यू आ रहा है देन इट इज कॉल्ड स्टेबिलाइजेशन। डायरेक्शनल क्या है मैक्सिमम इंडिविजुअल्स अटेन। क्लियर है ग्राफ प्लस पॉइंट्स, बोथ यू टू रीड सिर्फ आप पॉइंट्स पढ़ेंगे तो ग्राफ समझ नहीं आएगा समझ गए ग्राफ और पॉइंट दोनों पढ़ेंगे तब समझ आएगा क्लियर है भे ओके okay. अब एक क्वेश्चन यहां पर इफ ऑल एवरेज काउज इफ क्वेश्चन लाइक दिस एवरेज मिल्क इल्डर काउस एवरेज मिल्क काउस कमिंग हाई मिल्कल्डर देन इट इज कॉल्ड डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन बिकॉज पीक इज गोइंग टू शिफ्ट नेक्स्ट हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल येस्टरडे वी स्टार्टेड डिस्कसिंग हार्डी वेनबर्ग इक्विबरियम हार्डी वेनबर्ग इक्विबरियम गेट्स डिस्टर्बड गेट डिस्टर्ब ड्यू टू फाइव फैक्टर्स फाइव फैक्टर्स से डिस्टर्ब हो सकता है हार्डी वेनबर्ग इक्विबियम वट इज मीन बाइ हार्डी वेनबर्ग इक्विब्रियम

इंट फोर डॉमिनेंट थे पॉइंट सिक्स रेसे अगर P पॉइंट फोर है तो Q पॉइंट सिक्स रहना चाहिए और ये इक्वल टू वन होना चाहिए अगर ये इक्वल टू वन हो गया तो इक्विलिब्रियम है इफ P प्लस क्यू इज नॉट इक्वल टू वन नॉन इक्विलिब्रियम बोलेंगे उसको नॉन इक्विलिब्रियम ठीक है हेलो सर हाँ कर रहा हूँ सर रिफ्रेश एवरी मिनट्स में कर रहा नहीं एवरी टू मिनट्स में रिफ्रेश कर रहा हूं वेन पी प्लस क्यू इज नॉट इक्वल टू वन नॉन इक्विलिब्रियम बोल रहा है एंड हार्डी वेनबर इक्विलिब्रियम गेट डिस्टर्ब ड्यू टू फाइव फैक्टर्स कौन कौन से हो फाइव फैक्टर्स Gene flow, genetic drift, genetic recombination, natural selection and mutation. What are the factors which disturb heart even equilibrium? Number one, gene flow and number two genetic drift. number three genetic, recombination also going to disturb hardy even equilibrium and number four natural selection also disturb hardy even equilibrium and mutation is also known to disturb hardy even equilibrium mutation is also going to disturb hardy even equilibrium gene flow kya so what are the factors affecting equilibrium first we have listed out that one. Now let's see what is meant by gene flow first. Gene flow kya hai dekhenge? Gene flow number one. Migration of people from one country or from one population to another population. Gene flow. How gene flow occur? Migration.

दूसरे पॉपुलेशन को तो क्या बोलेंगे जीन फ्लो बोलेंगे जीन फ्लो फॉर एग्जाम्पल इफ सम पीपुल फ्रॉम इंडिया इफ दे माइग्रेट टू अमेरिका दे सेटल देयर ओनली सो यहां पर क्या होगा जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा ना जीन फ्रीक्वेंसी चेंजेस जीन फ्रीक्वेंसी चेंजेस इन बोथ Old and new population. Do know may change Gene frequency. What is mean by gene frequency? Percentage of particular gene. Percentage of gene in India and the percentage of gene in America. It is going to change. This is due to migration of people. Okay. The total number of tall, the total number of dwarf individuals in India.

अर्थक्वेक है ये क्या है प्योरली बाई चांस है ये किसी की भी डेथ हो सकती है प्योरली बाई चांस होगा ये इट इज नॉट लाइक हु फिट टेस्ट आर गोइंग टू सेलेक्ट एंड हु आर नॉट फिट गोइंग टू डिलीट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहां पे प्योरली बाई चांस किसी की भी डेथ हो सकती है तो ये है जेनेटिक ड्रिफ्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड Genetic drift, also called Sewell right effect. Cavalry C Sewell Wright effect. Sewell Wright effect. Name of the scientist has Sewell right. के एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन ऑकर बाई टू मैथड्स टू मैथड से हो सकता है जेनेटिक ड्रिफ्ट वन मैथड इज कॉल्ड बॉटल नेक इफेक्ट बॉटल नेक इफेक्ट है और एक है फाउंडर इफेक्ट फाउंडर इफेक्ट जेनेटिक ड्रिफ कैन आकर बाय टू मेथड्स, कैन आकर बाय टू मेथड, बॉटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट लेट्स सी व्हाट इज बॉटल नेक इफेक्ट बॉटल नेक इफेक्ट क्या है बॉटल नेक इफेक्ट मीन्स बॉटल नेक इफेक्ट इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एलिमिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द पॉपुलेशन अगर एक पॉपुलेशन है सपोज एक एक ग्लास बॉटल है और इस ग्लास बॉटल में कुछ ब्लैक कलर के बीड्स हैं और कुछ व्हाइट कलर के बीड्स भी हैं और कुछ ब्लैक कलर के बीड्स भी हैं ठीक है

Whether diseased individual die first, or infected individual die first, or healthy individual die first, or fittest individual. Bottle invert karneper kaonsa bead bahar rahega. That depends upon the probability. It may be white bead coming first, or it may be black bead coming first. So that is bottleneck effect. Hoga. What is bottleneck effect? It refers to refers to probability of probability of getting eliminated getting eliminated from the population from the population due to natural disaster due to natural disaster which natural disasters way और उसमें नेचुरल डिजास्टर में कौन से इंडिविजुअल एलिमिनेट होंगे दैट इज प्योरली डिपेंड अपॉन प्रोबेबिलिटी वी कैन नॉट से लाइक दैट ओनली डिसीज इंडिविजुअल डाई ऐसा नहीं बोल सकते इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एलिमिनेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन पॉपुलेशन में थे कल तक थे पॉपुलेशन में आज अचानक डिलीट हो गए ड्यू टू चुरल डिजास्टर तो ये प्रोसेस को हम बोलेंगे बॉटल नेक इफेक्ट सो बॉटल नेक इफेक्ट से भी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट आकर बाई हाउ मेनी मेथड्स, टू मेथड्स। बॉटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट नेक्स्ट वन मोर इज फाउंडर इफेक्ट बोले फाउंडर इफेक्ट The original drifted population, original drifted population from the large population, from the large population are called founders, are called founders, and the process and the process is called founder effect founder effect founder effect what is mean by founder effect suppose there is one land area in that there are some individuals okay these are the individuals 1 2

ियन पिगमेंट स्किन पूरी व्हाइट हो जाती है सपोज इफ दिसन इज नॉट एक्सेप्टिंग इंडिजुअल तो क्या होगा ये अल्बिनिजम इंडिजुअल बाहर निकलेंगे एक आईलैंड पे रहेंगे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है ना उनको तो ये दोनों बाहर आके एक आईलैंड पे रहेंगे

तो ये प्रोसेस को क्या बोले हम फाउंडर इफेक्ट बोले द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन ड्रिफ्टेड मतलब सेपरेटेड पॉपुलेशन ये जो दो लोग बाहर आ रहे हैं ना इसको बोल रहे हैं ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन दे आर कॉल्ड फाउंडर्स ये हैं फाउंडर ऑफ न्यू स्पीशीज आगे जाके जो न्यू स्पीशीज बनेंगे उनके फाउंडर हैं ये आगे जाके एक न्यू स्पीशीज बनने वाली है वहां पर और वो पॉपुलेशन पूरी कैसे रहेगी अल्बिनिक रहेगी सो चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी प्योरली बाई चांस प्योरली बाई चांस हंड्रेड इंडिविजुअल में से किसी दो लोगों को अल्बिनिज्म हो गया प्योरली बाई चांस प्लान करके थोड़ी दिए हम उसको अल्बिनिज्म प्योरली बाई चांस दो लोगों को हुआ और प्योरली बाई चांस वो बाहर भी आए आईलैंड पे भी चले गए रिप्रोड्यूस करे और एक एंटायर पॉपुलेशन बनाए प्योरली बाई चांस दिस इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट आकर बाई हाउ मेनी मेथड्स टू मेथड्स व्हाट आर द टू मेथड्स बॉटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट क्लियर है नेक्स्ट आफ्टर दउंडर इफेक्ट क्या क्या बोला था मैं आपको हार्डी विनबर इक्विबरियाम डिस्टर्ब बाई जी 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 एन एम वॉट इज फर्स्ट जी जीन फ्लो सेकेंड जी जेनेटिक ड्रिफ्ट नेक्स्ट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज नथिंग बट क्रॉसिंग ओवर इज क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज नथिंग बट क्रॉसिंग ओवर है क्रॉसिंग ओवर यू नो इट ऑकर ड्यूरिंग मियोसिस इट ब्रिंग रैंडम चेंजेस तो ये क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा एंड म्यूटेशन आल्सो म्यूटेशन आल्सो ब्रिंग्स यस व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस म्यूटेशन आल्सो ब्रिंग रैंडम चेंजेस है ना रैंडम चेंजेस क्या भी चेंजेस आ सकते हैं म्यूटेशन से भी हाउ मेनी फैक्टर्स आर गोइंग टू अफेक्ट हार्डी इव एनबर फाइव फैक्टर्स एंड वन मोर रैंडम मेटिंग रैंडम मेटिंग इन ए पॉपुलेशन Random mating in a population maintain equilibrium, maintain equilibrium, lack of random mating, disturb equilibrium, disturb equilibrium. रैंडम मेटिंग अगर किसी भी पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग होगा तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन्ड। और अगर रैंडम मेटिंग नहीं है समझो किसी पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग नहीं हुआ तो क्या होगा इक्विलिब्रियम? डिस्टर्ब हो जाएगा इक्विलिब्रियम। मतलब अगर लैक ऑफ रैंडम मेटिंग का मतलब क्या है सपोज सो मेनी इंडिविजुअल्स सो मैनी इंडिविजुअल्स और सपोज दिज इंडिविजुअल्स आर गेटिंग मैरिड बाई सेलेक्शन अगर ये सिलेक्शन करके मैरिज कर रहे हैं तो क्या होगा रैंडम मीटिंग लैक ऑफ रैंडम मीटिंग हो जाएगा लैक ऑफ रैंडम मीटिंग से क्या हो रहा है इक्लिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है सो so, नेचर पे छोड़ देना चाहिए सिलेक्शन रैंडम होना चाहिए मे बी दिस एंड दिस गेटिंग मैरिड और दिस एंड दिस रैंडम अगर मीटिंग होगा तो इक्विलिब्रियम मेंटेन है सिलेक्शन हो रहा है तो डिस्टर्ब होगा सिलेक्शन की जब बात करते हैं सिलेक्शन मतलब सपोज दिस इंडिविजुअल इज गोइंग टू सेलेक्ट सिलेक्शन अगर कर रहा है ये इज गोइंग टू सेलेक्ट व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर जेनेटिकली गुड कैरेक्टर्स ही विल सर्च एन इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स इतने सारे लोगों में से इंटेलिजेंट कौन है पहले उसको ढूंढेगा वो सो दैट मींस नेचर के अगेंस्ट में जा रहे हैं नेचर क्या है रैंडम मेटिंग मेंटेन करता है। अगर लैक ऑफ रैंडम मेटिंग होगा तो डिस्टर्ब होगा सो so अगर ये इंडिविजुअल हमेशा इंटेलिजेंट लोगों को सेलेक्ट कर रहा है तो बचेंगे कौन पॉपुलेशन में डल लोग बचेंगे फिर डल डल से मैरिज करेगा फिर उनका पूरा जनरेशन क्या होगा डल हो जाएगा रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में क्या है इक्विलिब्रियम मेंटेन है लैक ऑफ रैंडम मेटिंग डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम है समझ गए बात ओके okay. अब देखिए ह्यूमन एंसेस्टर या ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ है human evolution started with dryopithecus ramapithecus australopithecus australopithecus homo habilis homo erectus ओके एक सीक्वेंस बन रहा है देखिए पूरा होमोरेक्टस एक्टर्स नियान रतल मैन नियान रतल मैन क्रोमैंगन मैन क्रोमैंगन मैन और कौन है लास्ट में मॉडर्न मैन मॉडर्न मैन मॉडर्न मैन सो फर्स्ट यू रेमेंबर द सीक्वेंस सीक्वेंस याद रखो पहले डू रेमेंबर डू रेमेंबर एप्पल हैज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फर्स्ट वर्ड का हमेशा क्या है फर्स्ट लेटर यूज करो एवरी वर्ड फर्स्ट लेटर यूज डू डी यूज करो आर यूज करो ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस होमो होमोहेबेलिस होमो एरेक्टस नियंडर मैन उसके बाद के दो याद रखना आप मैन मॉडर्न मैन पैरापिथिकस बोल के भी था ड्रायोपिथिकस से पहले लेकिन वो नहीं चाहिए आपको हाँ? अगर याद रखना है तो याद रख सकते हैं पैरापिथिकस भी था ड्रायोपिथिकस से पहले इफ यू वॉन्ट यू कैन रिमेंबर बिफोर ड्रायोपिथिकस देर इज पैरापिथिकस प्लीज डू रेमेंबर प्लीज डू रेमेंबर एपल हैज एसेंशियल न्यूट्रिय पैरापिथिकस ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस अस्टोलोपेथिकस होमोहैबिल अच्छा होमोहेबिलिस होमो, है। होमो, होमो एरेक्टस दोनों हथ से शुरू हो रहे हैं होमोहेबिलिस होमो एरेक्टस मैन। और लास्ट के दो हैं क्रोमैग्नन मैन मॉडर्न मैन सबसे पहले काम क्या करना इनका सीक्वेंस याद करना सेकेंड काम याद रखना इनका ब्रेन साइज the most important trend in human evolution is increasing brain size. important trend in human evolution. human evolution may important. Kya hai? increasing capacity, brain size increasing. important trend in human evolution. What is the important trend in human evolution increasing cranial capacity homo habilis ka brain size is 650 to 800 cubic centimeter cc brain size 650 to 800 cc homo erectus ka brain size and 900 cc 900 cc. मैन का 1400 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर क्रोमैग्नन मैन का कांगन मैन का ब्रेन साइज होगा 1600 सीसी और मॉडर्न मैन का 1450 1450 तक जा सकता है सो इंपॉर्टेंट ट्रेंड इन ह्यूमन एवोल्यूशन इज इंक्रीजिंग ब्रेन साइज आप बोलेंगे सर यहां पे ये तो इंक्रीज हो रहा है ये भी इंक्रीज हो रहा है ये भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन लास्ट में डिक्रीज हुआ है ना तो वो एक एक्सेप्शन है एक्सेप्ट लास्ट वन मॉडर्न ह्यूमन बट इंपॉर्टेंट ट्रेंड क्या बोलना है इंक्रीजिंग ब्रेन साइज ही बोलना चाहिए ठीक है एंड देन विच ह्यूमन एनसेस्टर स्टार्टेड मीट मीट इटिंग होमो एरेक्टस की जगह लिख दीजिए मीट ईटर मीट ईटर होमो एरेक्टस मीट ईटर है होमो एरेक्टस मीट ईटर मीट ईटर होमो एरेक्टस मीट ईटर आ रहे हैं फर्स्ट एनसेस्टर ऑफ मैन मी टीटर कौन से लेना है होमो अरेक्टस फर्स्ट होमिनिड कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है इधर फर्स्ट होमिनिड होमिनिड का मतलब ह्यूमन लाइक फर्स्ट ह्यूमन लाइक एंसेस्टर ह्यूमन की तरह दिखने वाला होमो होमो हैबिलिस हैंडीमैन हैंडीमैन किसको बोलना है होमो हैबिलिस कुछ बोलना है हैंडीमैन मतलब टूल मेकर हैंडी स्किल्ड टैलेंटेड टूल मेकर है ये ही वॉज डिजाइनिंग टूल टूल मेकर हैंडीमैन है फायर स्टार्टेड यूजिंग फायर यूज बाई फायर सबसे पहले कौन यूज करे एरेक्टस मीट खाते थे मतलब कुकिंग करना है द निया रतल मैन नियान रतल मैन के बारे में कुछ स्पेशल बरीड देर डेड रिलेटिव बरीड देर डेड रिलेटिव विच एनसेस्टर ऑफ मैन प्रोबेबली स्टार्टेड बरिंग दर डेड रिलेटिव नियन रथल मैन नियान रथल मैन जो है सबसे पहला मैन है विच स्टार्टेड बरिंग दर डेड रिलेटिव नियन रथल मैन केव पेंटर केव पेंटर कौन थे क्रोमैंगन मैन केव पेंटर क्रोमैंगन मैन सिविलाइज मैन फर्स्ट सिविलाइजेशन या फर्स्ट सिविलाइज मैन बोलेंगे नियन रतल थोड़ा सा कल्चर करेक्ट है फर्स्ट सिविलाइज कल्चर है देआर रेस्पेक्टिंग देयर डेड बॉडीज एंड दे आर बरिंग देड रिलेटिव तो एक कल्चर जो होता है वो कल्चर कहां से शुरू हुई है नियन रतल मैन से शुरू हुई है कल्चर और ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस कैसे थे हेरी हेरी बॉडी Walked like chimpanzee and gorilla. Walked like chimpanzee and gorilla. Dryopithecus and Ramapithecus. How did they They were looking like chimpanzee and gorilla. Dryopithecus and Ramapithecus. Hairy body. Walked like chimpanzee and gorilla. <laughs> और यहां पे फर्स्ट बाईपेडल लोकोमोशन बाई पेडल लोकोमोशन लोको कहां से स्टार्ट हुआ अस्ट्रोलोपेथिकस अस्ट्रोलोपेथिकस में सबसे पहले बाईपेडल लोकोमोशन वॉकिंग ऑन टू लेक्स बाईपेडल लोकोमोशन मीन्स वॉकिंग ऑन टू लेग्स, फर्स्ट टाइम स्टार्टेड बाई स्टोलापेथिकस में फर्स्ट बाई पड़े लोकोमोशन देन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट इज मीन बाय प्राइमेट प्राइमेट्स किसको बोलेंगे प्राइमेट्स है ना मंकीज को बोलेंगे एप्स को बोलेंगे और ह्यूमंस को बोलेंगे मंकीज एप्स एंड ह्यूमंस दे आर कॉल्ड प्राइमेट्स मंकीज मतलब टेल्ड मंकीज क्या होते हैं टेल्ड टेल्ड प्राइमेट्स प्राइमेट्स में अगर टेल है तो मंकीज है अगर टेल नहीं है और हेरी बॉडी है तो क्या बोलेंगे एप्स बोलेंगे एप्स एप्स मतलब गोरिल्ला गोरिल एंड गोरिल्ला क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन क्लोजेस्ट रिलेटिव क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन किसको देना है चिमपैनजी को देना है क्लोजेस्ट रिलेटिव और मैनी चिम्पैंजीज दे कॉपी ह्यूमन सालसो मन को कॉपी करते हैं ये एंड रिगार्डिंग ड्राइविथिकस रामापिथिकस एस्ट्रोलोपिथिकस इनके ब्रेन साइज इनके इंटैक्ट स्कल नहीं मिले इसलिए ब्रेन साइज नहीं है इनका लेकिन हमारा गैस है 650 से कम रहा होगा उनका ब्रेन साइज 650 कहां से शुरू हुआ है होमो हैबिलिस से

इवॉल्ड इन सीनोजोइक एरा प्लिस्टोसिन प्लिस्टोसिन इपोक प्लिस्टोसिन इपोक में सीनोजोईकेरा मालूम है ना आपको कल बताया मैं पेलियोजोईकेरा मीसोजोईकेरा सीनोजोइकेरा मॉडर्न जो भी एनिमल्स होते हैं सीनोजोइकेरा में आएंगे ह्यूमन इवॉल्व नो डाउट इन सीनोजोईकेरा एरा का कौन सा इपोक यू you नो know? तो ह्यूमंस इवॉल्व इन एरा क्वार्टर पीरियड और कौन सा प्लिस्टोसिन इपोक ये पूछा जाता है देखिए, एरा कौन सा है सीनोजोइक एरा पीरियड कौन सा चल रहा है क्वार्टरनरी और इपोक कौन सा चल रहा है प्लिस्टोसिन ूम आर प्राइमेट्स यस ह्यूम आर प्राइमेट्स प्राइमेट इज इक्वल टू थ्री टाइप्स ऑफ एनिमल मंकीस एब्स एंड ह्यूमन अब ईयर से रिलेटेड जो है ना कंप्लीट इंफॉर्मेशन में सेपरेट दिया हूं ड्रायोपिथिकस रामापथिकस वेन दे एग्जिस्टेड ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस का टाइम बताइए फिफ्टीन मिलियन ईयर्स एगो फि मिलियन ईयर्स एगो ड्रायोपिथिकस रामापथिकस फिफ्टीन मिलियन ईयर्स एगो, केव पेंटिंग इयर्सो ईयर्स एगो, और एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर टेन थाउजेंड इयर्स एगो एंड फर्स्ट पेट एनिमल फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल डॉग है जावा <laughs> मैन किसको बोलते हैं जावा मैन होमो एरेक्टस को बोलते हैं जावा एक प्लेस का नाम है जावा इज ए प्लेस इन अफ्रीका फ्रॉम वेयर द फॉसिल्स आर टेंट दैट्स वाई इनका नाम जावा मैन पड़ा है होमो एरेक्टस का तो देखिए यहां पर अब कौन सा नहीं समझने आया है मैं आपको और एक बार समझा देता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है देखिए यहां पर इतना याद रखना है ह्यूमन एवोल्यूशन में एंड रिमेम्बर द ग्राफ नेचुरल सिलेक्शन ग्राफ जो नेचुरल सिलेक्शन के ग्राफ हैं थ्री टाइप के नेचुरल सिलेक्शन के ग्राफ हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ थ्री टाइप्स एक बार ऑन एक्सेक्स ठीक है अगर बहुत सारे फिनोटाइप डिलीट हो जाते हैं एंड ओनली मीन कैरेक्टर सरवाइव ओनली मीन कैरेक्टर अगर सर्वाइव होता है तो क्या बोलते हैं स्टेबिलाईजेशन बोलेंगे ओनली मीन कैरेक्टर सर्वाइव स्टेबिलाईजेशन समझे अगर ये कॉर्नर डिलीट हो जाएगा ये कॉर्नर भी डिलीट हो जाएगा तो ये ग्राफ कैसे बनेगा नैरो बन जाएगा ना गेटिंग नैरो नेचुरल सिलेक्शन ग्राफ इट इज कॉल्ड स्टेबिलाईशन एंड इफ मीन और पीक इज गोइंग टू शिफ्ट अगर यहां पर कैसा मार्क लगा के अगर पढ़ रहे हैं डायरेक्शनल बोलना है आपको अगर एक कर्व भी बता रहे हैं तब भी डायरेक्शनली बोलना है समझ रहे हैं बात आप अगर ऐसा बताएंगे तो भी डायरेक्शनल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एरो मार्क पी इज शिफ्टिंग पी इज शिफ्टिंग यहां ने तो ऐसे भी बता सकते हैं पीक शिफ्ट होने के बाद ये कर ऐसा शिफ्ट हो गया ऐसा भी बता सकते हैं या जरूरी नहीं है ऐसे बताना एनसीआरटी में कैसे बताया पीक ड्रॉ करके एरो मार्क लगाया है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन डायरेक्शनल में क्या हुआ बताइए इफ पीक की शिफ्टेड एंड पॉपुलेशन अटेन अदर देन मीन कैरेक्टर जैसे मैं क्वेश्चन कराया इन इंडिया मैक्सिमम काउज आर एवरेज मिल किल्डर बट आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन इफ ऑल काउज बिकम हाई मिल किल्डर एवरेज मिल किल्डर से हाई मिल किल्डर बन जाएंगे तो क्या बनेगा यहां पे पीक शिफ्ट हो जाएगा ना पीक चेंज हो जाएगा एवरेज से हाई मिल किल्डर बन जा रहे हैं दैट मींस डायरेक्शनल ठीक है डिसरप्टिव कब लेना है आंसर इफ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेनिंग अबाउट पेरीफेरल कैरेक्टर वैल्यू पेरीफेरल कैरेक्टर वैल्यू को क्या लेना है डिसरप्टिव Characters को disruptive बोलना है। और कौन सा जो है डिफिकल्ट हुआ था कहां पे बता दीजिए मैं आपको कर दूंगा. Evolution chapter यहां पे कंप्लीट हो चुका है बताओ क्या है डाउट वाई डू वी सी मॉर्निंग बताया मैं आज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दे आर इमोर्टल बिकॉज बिफोर डेथ द पेरेंट बॉडी डिस्ट्रीब्यूट इन टू टू डॉटर सेल्स पेरेंट बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू डॉटर सेल्स दैट्स वाई देर इज नो नेचुरल डेथ देर इज नो नेचुरल डेथ बिकॉज पेरेंट बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो गई यहां पर hmm. और कौन सा है क्वेश्चन डाउट में यहां पर स्क्वायर क्या था कैपिटल ए कैपिटल ए क्यू स्क्वायर क्या था स्मॉल स्मॉल हिट्रोजाइगस को कैसे कैलकुलेट करेंगे हिट्रोजाइगस को कंपलसरी टू पी क्यू लेना फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हिट्रोजाइगस मतलब कंपलसरी टू पी क्यू करना चाहिए अगर डोमिनेंट अलील पॉइंट फाइव है समझो <coughs> डोमिनेंट अलिल पॉइंट फाइव है इसका परसेंटेज तो हिट्रोजेगस मालूम करके बताओ मेरे को क्वेश्चन मार्क अगर डोमिनेंट पॉइंट फाइव है तो हिट्रोजेगस कितना आएगा हम्म कर सकते हैं अब डोमिनेंट अलील पॉइंट थ्री है तो क्या करना P इज इक्वल टू पॉइंट थ्री क्यू इज इक्वल टू पॉइंट सेवन टू पी क्यू करना है मुझे टू इंटू पॉइंट थ्री इंटू पॉइंट सेवन फोर टू कुछ ऐसा करना रहता ये ठीक है अभी रिवाइज करो आप सारे चैप्टर्स ठीक है जितना भी पोर्शन था टारगेट वो कंप्लीट हुआ ये वीक का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक में रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में जितना पढ़ाया हूँ आज मॉर्निंग उतना सारा इंक्लूडेड रहेगा सिलेबस में ओके थैंक यू